आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे बोला कि आप मैम इस चीज़ पे वीडियो बनाएं कि जो फिमोसिस कंडीशन होती है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, घर पे हम कैसे जो फोरस्किन है उसको बैक ला सकते हैं घर में होम रेमेडीज से, और साथ ही साथ में कैसे हमें हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए, किन कंडीशंस में डॉक्टर के पास सर्जरी के लिए जाना चाहिए, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि इसका कारण क्या है। देखिए फिमोसिस जो कंडीशन है ये पुअर हाइजीन के कारण हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है उसके कारण, रेडनेस स्वेलिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, या फिर यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो फोरस्किन है उसको बैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपको फ्यूचर में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो जानते हैं घर में हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। क्या करना है आपको इसके लिए, जो हमारे स्टेरॉइड क्रीम्स आती हैं, जैसे मैंने आपको एक पहले मैंने वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने आपको बताया था हाउ टू क्लीन बेबी प्राइवेट पार्ट, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप मोमेटासोन या फिर टेनोवेट, ये दो ऑइंटमेंट है जिनको यूज़ कर सकते हैं आप, या और भी बहुत सारी स्टेरॉइड जो क्रीम्स है वो आती हैं मार्केट में जिनको आप यूज़ करके अपनी फोरस्किन को ईजिली आप घर पर बैक कर सकते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले इसका प्रोसीजर क्या है, आपको क्या करना है, क्रीम को दिन में दो बार यूज़ करना है, सुबह शाम आप क्रीम को लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, पूरे एरिए में आपको ढंग से क्रीम को लगाना है पूरे एरिए में, उसके बाद आपको हल्के हाथों से फोरस्किन को बैक करने की कोशिश करनी है। आपको फोर्स बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी है, इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी पेन महसूस होती है तो आप प्रोसीजर को उसी टाइम बंद कर दीजिए, अदरवाइज़ आपको ब्लीडिंग या फिर कट वगैरह हो सकता है या फिर इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस भी हो सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी स्टेरॉइड क्रीम यूज़ करने से पहले अपने यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा लीजिए एक बार, उनसे आप सजेशन लेके कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है, कि आपको फिमोसिस कौन सी कंडीशन में है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको क्रीम रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है जो स्टेरॉइड क्रीम को यूज़ करने का है, क्योंकि 62% जो चिल्ड्रंस है उसमें फोरस्किन बैक हो जाती है विद द यूज़ ऑफ दिस स्टेरॉइड क्रीम्स। लेकिन ये जो अगर एज आपकी ज़्यादा हो गई है तो उन कंडीशंस में परमानेंट सॉल्यूशन इज़ नॉट टू अप्लाइड ओनली द स्टेरॉइड क्रीम्स, इट इज़ नॉट सफिशिएंट, देर आर सो मैनी अदर ट्रीटमेंट्स विच देर इज़ अ नीड टू डू फॉर अवॉइड एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन फ्यूचर। नेक्स्ट होम रेमेडी जिससे हम फोरस्किन को बैक ला सकते हैं वो है हमारी पर्सनल हाइजीन। आपको एक अच्छी हाइजीन मेंटेन करनी है जिससे आप फोरस्किन को बैक ला सकते हैं। आपको क्या करना है, जब आप नहा रहे होंगे तो वॉर्म वाटर जो है वो स्किन को लूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आप इजीली स्किन को स्ट्रेच करने में आपको कन्वीनियंट हो जाएगा। तो आपको जब आप नहाएं तो आप वॉर्म वाटर से फोरस्किन को बैक करने की कोशिश कीजिए, फोर्स इसमें भी अप्लाई नहीं करनी ये आपको ख्याल रखना है। लेकिन ये प्रोसीजर अगर आप थोड़ा टाइम करते रहेंगे 4 वीक्स से लेके 8 वीक्स के बीच में, तो आहिस्ता आहिस्ता जो फोरस्किन है वो बैक हो जाएगी, क्योंकि गर्म पानी जो है टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है तो उससे स्किन लूजनिंग में हेल्प मिलती है और कन्वीनियंट हो जाता है स्ट्रेचिंग करना। नेक्स्ट वन इज़ यूजिंग एंटीबायोटिक्स। अगर आपको जो फिमोसिस है वो किसी बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुई है तो डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, वो एंटीबायोटिक जब आप लेंगे तो आपको जो बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन था वो ख़त्म हो जाएगा और जो आपकी फिमोसिस कंडीशन थी वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिमोसिस कंडीशन को ठीक करने के लिए एक और अच्छी ट्रीटमेंट है जो है लेज़र सर्कमसीजन। ये बहुत ही ईजी है क्योंकि लेज़र के थ्रू इसमें जो सर्कमसीजन का प्रोसीजर है वो किया जाता है, इसमें कोई भी स्टिचेस नहीं लगते, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, कोई इसमें सर्जरी नहीं होती, जो इंस्ट्रूमेंट्स होती है वो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता, तो जो इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस है वो भी बिल्कुल कम हो जाते हैं, कम क्या बिल्कुल नील हो जाते हैं, और आपको कोई पेन वगैरह भी नहीं होती। सबसे अच्छी बात लेज़र ट्रीटमेंट की ये है कि ये किसी भी एज में किया जा सकता है, बेबीज़ में भी हो सकता है, 6 to 10 टीनेज में भी हो सकता है, एडल्ट्स में भी हो सकता है, किसी भी एज में इस प्रोसीजर को आराम से किया जा सकता है। नेक्स्ट जो मेथड है फिमोसिस को ट्रीट करने का वो है प्रीपिट्यूप्लास्टी। ये ज़्यादातर जो चिल्ड्रंस में की जाती है, एडल्ट्स में जो हैं इसके जो चांसेस है फिमोसिस को ट्रीट होने के वो थोड़े से कम होते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इंसीजन किया जाता है हेड ऑफ दी फोरस्किन को, थोड़ा सा ही सिर्फ कट लगाया जाता है ताकि यूरिन वगैरह पास करने में प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये चिल्ड्रंस में ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स।
अब जानते हैं कि किन कंडीशंस में आपको इमीडिएट डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इन होम रेमेडीज़ को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आपको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही है ये जो होम रेमेडीज़ हैं इनको अप्लाई करने के बाद, या फिर आपको स्वेलिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, इन सब कंडीशंस में आपको डॉक्टर को इमीडिएट दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टाइट फोर स्किन होना एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम अच्छी मेडिकल अटेंशन लें तो इसको इजीली हम ठीक कर सकते हैं। ज़्यादातर कंडीशंस में जो होम रेमेडीज़ हैं उनसे 60-70% जो लोग हैं वो इससे ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको होम रेमेडीज से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आपको इमीडिएट यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और इसकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम है ईशा और इस चैनल पे मैं ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस डालती रहती हूँ, तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।